नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 37 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा, आपका यूपी पुलिस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कितनी चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर आपको डेली यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के और जो आने वाली यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें अपना आज 37 प्रश्नों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। और कृपया आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विश्व विहार प्रसाद कोराइला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दलाई लामा की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान टू को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान टू को कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना, तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कृपया एक लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं खुद यूपी पुलिस में सिलेक्ट हूँ और आपको यूपी पुलिस की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करा सकता हूँ, क्योंकि मैं वही प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे और उनकी पूछने की संभावना हो जाएगी। मुद्रा पावर पॉइंट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबरमती कोटा झील के भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो इंदिरा सागर बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछुआ का एकमात्र अभ्यारण्य गैरमाता भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पकी हुई केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैल हिल रेल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो कॉक किस खेल से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है नौका दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी, तो ये आपको पता होना चाहिए, सुंदरबन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो किन दो देशों के बीच है ये आपको बताना, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धा आश्रम किस राज्य में है? तो वर्धा आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैमिन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो जैमिन शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टमुड़ी झील भारत के किस राज्य में है? तो ये अष्टमुड़ी झील आपको बतानी ही है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 मई को ये मनाया जाता है। डर्फी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डर्फी ट्रॉफी का संबंध आपको बताना, तो ये घुड़दौड़ से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे एम अनंत सैयर, ऑप्शन नंबर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष पूछे गए थे, लोकसभा के उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैयर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि अध्यक्ष थे गणेश महावल शंकर। अगला क्वेश्चन, 1974 में ई पोखरण परीक्षा का कोड क्या था? तो इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 28वां, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की उपरांत भारत के कारबाग प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये कारबाग प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है बांस से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बाली उत्सव का संबंध है उड़ीसा राज्य से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो इसका है हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2017 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो रोजर फेडरर का संबंध है स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, तो इसकी ऊंची चोटी है माउंट पेट्रो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो थोड़ा बहुत भी, आकर आपको प्रतिशत अच्छा लग रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।